Hello student, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to learn our 14th chapter of maths, and the name of the chapter is How Big, How Heavy. यानी कि कितना बड़ा और कितना भारी. ओके, इसके रिलेटेड यहाँ पे जो सम्स है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे. तो हमें फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है क्यूब्स. क्यूब्स में हमें क्या कहा है, राइट द वॉल्यूम ऑफ ईच शेप. हमें यहाँ पे क्या करना है, जो जो शेप दिया है उस सभी का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट. तो देखो आपको यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों यहाँ पे गिवन है, 1 सेंटीमीटर. यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है पूरा एक, इसका वॉल्यूम कितना यहाँ पे दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर क्यूब है वो वॉल्यूम का यूनिट है. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे सभी शेप के वॉल्यूम फाइंड करने हैं. तो एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बॉक्सेस काउंट कर लेंगे. 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 हो गया 3 4 एंड 5. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, टोटल 5 बॉक्स है. एक बॉक्स का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल 5 बॉक्स है. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब. है ना इजी. इसी तरह से सभी शेप में हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 एंड 4. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब. थर्ड देखते हैं, इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट 4 नंबर का देखिए, तो इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 बॉक्सेस है. तो इसमें क्या आ जाएगा वॉल्यूम, 14 सेंटीमीटर क्यूब. 5 नंबर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से सभी शेप का आप फाइंड कर सकते हो कि वॉल्यूम कितना आएगा. ओके, हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका वॉल्यूम क्या आया, 10 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन. अब 7 नंबर में देखिए कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7. कितना वॉल्यूम आएगा, 7 सेंटीमीटर क्यूब. 8 में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या वॉल्यूम आएगा, 7 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बॉक्सेस है, कितना वॉल्यूम आएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब. 10 नंबर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब. 11 नंबर का देखते हैं, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब. इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, है ना इजी. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अननोन एजेस. आपको जो एजेस नहीं दी है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. ओके, देखिए यहाँ पे कहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अननोन एजेस. अब आप सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट. ओके, क्यूबॉइड का. अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रीथ दी है, सॉरी लेंथ दी है, ब्रीथ दी है, आपको हाइट जो है वो फाइंड करनी है, और टोटल वॉल्यूम आपके पास गिवन है. तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट. अब आपको लेंथ और ब्रीथ गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम के नीचे क्या आएगा, ब्रीथ और हाइट, और ब्रीथ फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम के नीचे क्या आएगा, लेंथ और हाइट. इस तरह से सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा. इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको यहाँ पे अननोन एजेस है वो फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में देखिए वॉल्यूम लिख दिया, 512 डिवाइड क्या करना है, लेंथ और ब्रीथ.
कितनी है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ओके, 8 8 64 हो जाता है, 512 / 64 क्या आंसर आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट मिल गई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर ओके। ये आपको रफ वर्क करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है ओके। सॉरी ओके, अब देखिए वॉल्यूम है 315 ओके, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रीथ और हाइट गिवन है, तो क्या आएगा नीचे 7 × 5, वॉल्यूम के नीचे 315 / 7 × 5, 7 × 5 = 35, तो 315 / 35 क्या आ जाएगा, 35, डिवाइड कर दो आंसर क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर आपको लेंथ मिल गई। अब इसमें देखिए आपको विथ फाइंड करनी है ओके, तो आपके पास हाइट और लेंथ आपके पास गिवन है और वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम डिवाइड लेंथ और हाइट ओके, तो हाइट और लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर / 5 सेंटीमीटर ओके, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, तो 1/60/20 करना है, तो आंसर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कितना वॉल्यूम है, 100, और आपको यहाँ पे विड्थ फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ सॉरी हाइट और लेंथ आपको दी है ओके, 4 और 5, तो वॉल्यूम डिवाइड लेंथ और हाइट, 4 × 5 = 20, 100/20, 100/20 कर देना है, क्या आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट फाइंड करनी है ओके, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, वॉल्यूम कितना है 90, डिवाइड क्या आएगा 2 × 5, 2 × 5 = 10 हो जाता है ओके, सो 90 आपको 10 कर देना है, 10 × 9 = 90, यानी कितना वॉल्यूम आएगा, 9 सेंटीमीटर सॉरी वॉल्यूम नहीं, हाइट कितनी मिलेगी, 9 सेंटीमीटर। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें वॉल्यूम दिया है 60, लेंथ फाइंड करनी है, हाइट और ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम 60 डिवाइड क्या करेंगे, 3 × 4, 4 × 3 = 12, 60/12 कर देना है, 60/12 क्या आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगी आपको, लेंथ ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का, इसमें आपको लेंथ फाइंड करनी है, ब्रीथ और हाइट गिवन है ओके, तो टोटल वॉल्यूम है 72, डिवाइड क्या हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 = 12, 72/12 डिवाइड कर देना है, आंसर क्या आएगा, लेंथ कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर ओके। रफ वर्क में यह सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ओके, और आंसर चेक करना है कि आपका राइट आता है या रॉन्ग, इसी बहाने आप ये सम सॉल्व करना भी सीख जाओगे ओके, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कहा है इसमें, विथ फाइंड करनी है, हाइट और लेंथ गिवन है, वॉल्यूम है 504 डिवाइड 7 × 7 × 9 करके डिवाइड कर देना है, आंसर क्या आएगा, विथ कितनी मिलेगी, 8 सेंटीमीटर। 9 नंबर का देखते हैं, हाइट फाइंड करनी है, लेंथ और विथ गिवन है, वॉल्यूम 175 cm³ है, 175 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी कि 5 × 5 = 25, 175 क्या आएगा, 25 क्या आंसर आएगा, 7 सेंटीमीटर हाइट मिल जाएगी ओके। और ये जो फॉर्मूला है सबको याद रख लेने हैं ओके, इससे सम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम में फिलअप्स है, फर्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें एक आया 1 decameter इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 4th standard में ये आप सब सीख गए हो, अगर 4th standard की बुक पढ़ी हो तो आप उसमें देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अगर भूल गए हो तो ओके। अब 1 decameter इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 100 decameter होते हैं ओके। 1 centimeter इज इक्वल टू कितने decameters होते हैं, 1 decameter इज इक्वल टू 100 centimeter होता है, तो 1 centimeter इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001 अपॉन हो जाएगा ना, 1/100 हो जाएगा इस तरह से ओके। अब नेक्स्ट देखिए, तो क्या आ जाएगा, 0.001000 आता है ना, थाउजेंड आता है ओके, क्लियर। 1 hectometer इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1000 decameter होते हैं ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी ब्लैंक्स इसी तरह से है, 53 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। अब 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होते हैं, तो 53 कितने हो गए, सो 53 मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100, तो क्या आ जाएगा 5300 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बी देखिए, 46.5 डेकामीटर है। ओके, अब क्या करना है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होते हैं, 1/100, उल्टा है इसलिए क्या आएगा 1/100। तो इसको 46.5 डिवाइड 100 करो तो डेसिमल चेंज हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा 4 के आगे, तो आंसर क्या आएगा 0.465 किलोमीटर। अब सी देखिए, 14 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो क्या आएगा 14/10, तो डेसिमल को चेंज करना है, यहाँ से 10 इसलिए यहाँ आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब डी देखिए, 150 डेसीलीटर है, तो अब इसमें देखिए क्या है, डेका लीटर में कन्वर्ट करना है, डेसी को डेका में करना है। ओके, तो अब 1 डेसीमीटर डेसीलीटर इज इक्वल टू 1/100 डेका लीटर होता है, तो 150 डिवाइड क्या हो जाएगा 100, तो डेसिमल चेंज कर दो 20 है, यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 1.5 डेका लीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं ई, 2.5 लीटर है, उसको डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर होता है, तो मल्टीप्लाई 10 कर देना है, यानी कि डेसिमल पीछे जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 25 डेसीलीटर। क्लियर, मैंने यहाँ पे साइड में आपको लिख दिया है ताकि क्या है सॉल्व करने में आपको इजी हो जाए। ओके, अब लास्ट देखते हैं एफ, 1983 लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर होता है, तो 1983 का कितना होगा, तो डिवाइड क्या कर देना है 1000, 30 है, 3 डिजिट के आगे डेसिमल, यहाँ से 1, 2 और 3 कहाँ पे आएगा 1 के पीछे, तो क्या हो जाएगा आंसर 1.983 किलो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन, वॉल्यूम किस में मेजर्ड होता है, उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक, क्यूब आता है ना, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर लिखते हो, तो क्या आएगा क्यूबिक यूनिट्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या फॉर्मूला है, एज मल्टीप्लाई एज, और आप ऐसे भी लिख सकते हो साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है इसलिए। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है, अभी अभी हमने किया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 6 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ सॉलिड फिगर, की सॉलिड फिगर में आप उसका अमाउंट फाइंड करते हो तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ओके, अब देखिए 7 नंबर का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 22 सेंटीमीटर। अब क्यूब का वॉल्यूम आपको फाइंड करने है, एज दे रखिए 22 सेंटीमीटर, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन है, एज मल्टीप्लाई एज दी है 22 सेंटीमीटर, 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 8 नंबर का देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ ब्रीथ और हाइट यहाँ पे गिवन है, तो क्या कर देंगे 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या आएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का, ब्लैंक्स इज अ सॉलिड फिगर विथ 6 स्क्वायर सरफेस, कि ऐसे कौन से सॉलिड फिगर है जिसकी 6 स्क्वायर सरफेस होती है, ऊपर नीचे दोनों साइड और आगे पीछे, तो क्या होगा वो क्यूब होगा। ओके, स्क्वायर साइड होती है उसकी सभी साइड, टोटल 6 साइड होती है, और कैसे होती है स्क्वायर इक्वल साइड, तो क्या आंसर आएगा क्यूब। नेक्स्ट 10 नंबर का देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज 1/4 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या आएगा एज मल्टीप्लाई एज 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 16 16 4 64, आंसर क्या आएगा 1/64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
11 नंबर के क्वेश्चन में कहा है विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ अ साइड 12 सेंटीमीटर। क्यूब का साइड आपको दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या दे रखी है 12 मीटर, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1728 मीटर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम मिल गया। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, आपको क्यूबॉइड के डायमेंशन गिवन है 8 मीटर 6 मीटर 4 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। ओके, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर क्या आएगा 192 मीटर क्यूब। इसमें से किसका बड़ा आया, क्यूब का बड़ा है 1728 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। ओके, अब देखिए 12 नंबर का देखते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स दैट मेजर्स 8.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7.5 मीटर। अब देखिए आपको यहाँ पे कैपेसिटी यानी कि क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है बॉक्स का, लेंथ ब्रीथ और हाइट गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो डायमेंशन दिया है वो मीटर में दिया है, ये दोनों सेंटीमीटर में। आपको इसमें खास ध्यान रखना है कि तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए, ये मीटर में नहीं है, सॉरी ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है दोनों, तो इसको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो तीनों के यूनिट सेम हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 7.5 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 100, ये तो डेसिमल चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि कितना आंसर आएगा 750 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं 8.5 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, और क्या है सेंटीमीटर में आया 750 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर क्या आएगा 255 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहा, अ क्यूब ऑफ एज 9 सेंटीमीटर वॉज फिल्ड अप विथ 405 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन द क्यूब। आपको एज दे रखी है क्यूब की, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम होगी। ओके, और आपको उसका वॉल्यूम दे रखा है, अब उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, तो जैसा हमने पहले किया वैसा हाइट ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, स्क्वायर है इसलिए लेंथ और ब्रीथ इक्वल होगी, तो क्या आएगा 9 और 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या है 405 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड कर देना है 9 9 81, 405 डिवाइड 81 करना है, तो क्या आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट आपको क्या मिलेगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबोइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है क्यूबॉइड का और क्यूब का। ओके, अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड का फाइंड करना है, यहाँ पे क्यूबॉइड आएगा और यहाँ पे क्यूब आएगा। ओके, अब देखिए आपको क्यूब की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे एक सेकेंड, अब देखिए आपको क्यूब का वॉल्यूम पता है, पहले हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो साइड कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आंसर आएगा, 6 6 36 36 6 6 216 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम मिल गया। ओके, अब देखिए क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का देखते हैं क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे डायमेंशन तीनों गिवन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, क्या वॉल्यूम मिलेगा आपको 144 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, सो 144 अपॉन 216, अब देखिए 72
टू टू ज़ा क्या होता है 144 और 72 थ्री से क्या होता है 216। अब 72 इक्वल है, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल, तो बचेगा क्या 2/3, तो आपको फ्रैक्शन मिल गया 2/3। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ रेक्टेंगुलर टैंक 17 सेंटीमीटर लॉन्ग 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई इज कैपेसिटी फील्ड विथ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। अब आपको रेक्टेंगुलर टैंक की लेंथ ब्रीथ और हाइट यहाँ पे गिवन है, ओके। आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों है रखते हैं 70 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों का क्या कर देना है मल्टीप्लीकेशन कर देना है। आंसर क्या आएगा 765 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हुआ आपको वॉल्यूम मिल गया, ओके। वॉल्यूम में खास ध्यान रखना है, यूनिट लिखना कभी मत भूलना, क्यूब में यूनिट आता है, ओके। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, जो भी वो क्यूब में लिखना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एग्जैक्टली सिमिलर क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्यूब की साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, पर कितना वॉल्यूम उसका है सिमिलर, 4 क्यूब है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उस पर क्या करेंगे 4 टाइम, एग्जैक्टली 4 सिमिलर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 5 25 25 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मिल गया कितनी टाइम है 4 टाइम, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम कर देंगे क्यूब का, तो 4 मल्टीप्लाई 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर क्या आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, कि आपको इन ए बी सी डी चार ऑप्शन में से किसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है उस पर राइट टिक करना है, ओके। अब देखिए फाइंड करना है कौन किसका वॉल्यूम बड़ा है। अब विच टैंक ऑफ कैपेसिटी 965 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आपको वॉल्यूम गिवन है 965 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड में देखते हैं 1.25 लीटर बॉटल ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम दिया है 125 लीटर, पर इसका आंसर सेंटीमीटर में है, तो सबके आंसर हम सेंटीमीटर में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कितना लीटर है 1.25, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1000 तक, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000, 30 है, 3 डेसिमल पीछे जाएगा यहाँ से 1, 2 और 3, तो आ गया यहाँ से 1, 2 और 3, तो क्या आंसर आया 1250 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड का देखते हो क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 9 81 81 9 729 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी सेंटीमीटर में आ गया। फोर नंबर का देखते हैं, अब बॉक्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ओके। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 2 10 10 1 10, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया। इन सब में से सबका वॉल्यूम आपको मिल गया सेंटीमीटर क्यूब में है, किसका बड़ा है इसका है 1250, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे राइट टिक, ओके। बॉटल और वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, अ 2 लीटर बोटल इज हाफ फिल्ड विथ वाटर, कि 2 लीटर की जो बोटल है वो हाफ फिल्ड है वाटर से, पानी से भरी है। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू फिल अप द बोटल कम्प्लीटली, तो हम उसमें कितना वाटर ऐड करेंगे जो वो जो 2 लीटर की बोटल है वो कम्प्लीट हो जाएगी। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए, पर यहाँ पे तो हमें 2 लीटर दिया है, तो ऊपर अभी हमने देखा कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लीटर है, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आएगा इसका आंसर 2000 सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट होगा। अब पूरी बोतल 2000 सेंटीमीटर क्यूब की है, वो तो आधी तो भरी है, आधी हमें भरनी है,
ओके, तो कितना ऐड करना पड़ेगा वाटर वो फाइंड करना है। तो आधी भरी है यानी हमें आधी भरनी है, तो क्या कर देंगे डिवाइड 2, सो 2000 सेंटीमीटर डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम उस बॉटल में 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करेंगे तो वाटर पूरी है वो कंप्लीट हो जाएगी वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहा है, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन अ टैंक इज 5 सेंटीमीटर। टैंक की जो हाइट है वाटर लेवल की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। इट कंटेन 785 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कि पूरा जो वो कंटेनर है वो कितने का है, उसका वॉल्यूम दिया है 785 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स बेस एरिया, बेस फाइंड करनी तो क्या करेंगे वॉल्यूम डिवाइड टैंक की हाइट। वॉल्यूम कितना है 785 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक एक कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा यूनिट और इसको डिवाइड कर देना है। आंसर क्या आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बेस मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करना आई थिंक सबको आता होगा, ना आता होगा वो सीख लेना। ओके, क्योंकि फोर्थ स्टैंडर्ड में बहुत सारे किए हैं आपने, बहुत सारे आए थे। अब ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ कंटेनर 12 सेंटीमीटर डीप इज 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको यहाँ पे गिवन है। इट इज हाफ फिल्ड विथ राइस, वो हाफ फिल है राइस से। हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ राइस इज देयर इन द कंटेनर, तो आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जो हाफ राइस से भरा है उसका। तो पहले हम पूरा वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ओके, कंटेनर का कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यानी अब ऐसा भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, लेंथ ब्रीथ और गिवन है हाइट 12 सेंटीमीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। आंसर क्या आएगा 2040 सेंटीमीटर क्यों। अब कितनी फील है, हाफ फील है राइस से, तो वॉल्यूम ऑफ राइस इन द कंटेनर, ओके, यानी कि हाफ फील है वो, तो क्या कर देंगे हम डिवाइड 2 कर देंगे, इसको डिवाइड 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1020 सेंटीमीटर क्यों। क्लियर, आज हम क्वेश्चन 20 तक यहाँ पे रखते हैं, 21 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आप सबको ये जो चैप्टर यहाँ पे 20 तक क्वेश्चन तक की है वो सारे अच्छे से वीडियो देख लेने हैं और फिर खुद से वर्कबुक में अच्छे हैंडराइटिंग के साथ सॉल्व करके लिखना है, फिर आंसर चेक कर लेना। मैं PDF भेजूंगी, उसमें से वेरीफाई कर लेना कि राइट है या रॉन्ग, रॉन्ग आता है तो वापस वीडियो देखना, समझना और फिर लिखना। ओके, ताकि आपकी सम की प्रैक्टिस भी हो जाए, एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम भी ना आए। ओके, और अच्छे राइटिंग में वर्कबुक को कंप्लीट करना और समझ के करना, और कोई भी क्वेश्चन में यहाँ तक क्वेरी या डाउट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता देना। ओके, थैंक यू।